अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं शाहिदा परवीन हाजिर हूँ फिर से एक नई रेसिपी के साथ। फ्रेंड्स, आज की रेसिपी है शाही पीस, जिसे हम शाही टुकड़े भी बोलते हैं। अगर आपके घर अचानक से मेहमान आ जाए तो ये झटपट बनने वाली रेसिपी है। बस 10 मिनट में ही आप शाही मीठे में कुछ डिज़र्ट तैयार करने के लिए आपको बस 10 मिनट ही लगेंगे और ये रेसिपी बन के तैयार हो जाएगी और आपके मेहमानों को भी ये बहुत पसंद आएगी। तो फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते हैं शाही पीस बनाना। शाही पीस की रबड़ी बनाने के लिए यहाँ पर हमने 2 कप दूध लिया है, जो लगभग 300 ml है। मैंने इसे कढ़ाई में ऐड कर दिया है, ये देखिए। इसे हम एक बॉयल आने तक के पकाएंगे और इसे किनारों पे इस तरह से चलाते रहेंगे। ये दूध फुल फैट है, इसे गाढ़ा होने तक हम चलाते रहेंगे और ये किनारों पर भी जो दूध चिपक गया इसे भी छुड़ा देंगे। दूध में बॉयल आ चुका है, ये थोड़ा गाढ़ा पड़ने लगा है, ये देखिए फ्रेंड्स। अब हम इसमें ये मिल्क ब्रेड मैंने घर में ही बनाया था, इसमें ये 1 चम्मच भर के ऐड करेंगे और ये दूसरा चम्मच। हम इसमें 2 चम्मच भर के मिल्क ब्रेड ऐड करेंगे ये रबड़ी में। यहाँ पे कुछ कटे हुए मेवे हम इसमें ऐड करेंगे, जो कि पिस्ते और बादाम हैं, ये देखिए। अब हम इसे चलाते रहेंगे थोड़ा गाढ़ा पड़ने तक के। रबड़ी थोड़ी गाढ़ी पड़ने लगी है फ्रेंड्स, हम इसमें ये केसर के धागे ऐड करेंगे। आप इस स्टेप को स्किप भी कर सकते हैं। यहाँ पे ये हम 1 पिंच इलायची पाउडर ऐड कर रहे हैं रबड़ी में, ताकि अच्छी सी खुशबू आए। इसे हम इसी तरह से चलाते रहेंगे, किनारों पे भी हम छुड़ा लेंगे जो दूध इसमें चिपक गया है इस तरह से। यहाँ पे रबड़ी हमारी गाढ़ी पड़ चुकी है, ये देखिए इस तरह से। बस हम अभी से एक मिनट में ही गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। आइए अब हम एक शुगर सिरप तैयार कर लेते हैं। देखिए, रबड़ी हमारी अच्छे से गाढ़ी पड़ चुकी है, मैंने इसमें कोई भी कॉर्नफ्लोर नहीं मिलाया है, इसे बस थोड़ा सा कंडेंस मिल्क ही इसमें ऐड किया है और दूध से ही ये दूध को ही गाढ़ा कर लिया है। कॉर्नफ्लोर मिलाने से काफ़ी भारीपन आ जाता है, इसलिए मैंने इसमें कोई भी ऐसा पाउडर ऐड नहीं किया है, अरारोट या कोई भी पाउडर। शाही पीस के लिए शुगर सिरप तैयार करने के लिए मैंने गैस पर ये पतीला रख दिया है। इसमें हम लगभग 75 ग्राम चीनी ऐड करेंगे और देखिए इस कप से, और इतना ही मैंने इसमें 75 ग्राम चीनी ऐड की है इस कप से, ये देखिए फ्रेंड्स। इसी कप से मैंने पानी डाला 1 कप। इसमें इसे हमें बहुत ज़्यादा तार वाली चाशनी तो इसे बनानी नहीं है, बस ये ऐसे ही पतला ही शुगर सिरप होगा तो भी उससे ही शाही पीस का सिरप तैयार हो जाएगा। अब हम इसमें एक फूड कलर ऐड करेंगे, ये देखिए 1 पिंच। चीनी के घुलने तक हम इसे चलाते रहेंगे ताकि पानी में चीनी अच्छे से मिक्स हो जाए। फ्रेंड्स, मुझे कलर चाशनी का काफ़ी लाइट लग रहा था तो 1 पिंच कलर और मैंने इसमें ऐड किया है। अब ये कलर परफेक्ट है शाही पीस के लिए। शाही पीस के मैंने 6 पीस के मैं शाही पीस बनाऊंगी, उसी हिसाब से मैंने रबड़ी तैयार की है। हमारा शुगर सिरप अच्छे से तैयार हो चुका है, मुझे इसे बहुत ज़्यादा चाशनी वाला नहीं, तार वाली चाशनी नहीं बनानी थी, इसलिए ये जल्दी ही रेडी हो गया। अब हम ब्रेड को रोस्ट करेंगे। ब्रेड को रोस्ट करने के लिए हमने यहाँ पे एक तवा गैस पे रख दिया है, इसमें हम 1 चम्मच देसी घी ऐड करेंगे। इसे ब्रेड को मैंने ट्रायंगल पीसेस में काट लिया है। ब्रेड को हम शैलो फ्राई करेंगे, आप इसे डीप फ्राई भी कर सकते हैं। इसे हम सुनहरा होने तक फ्रेंड्स सेकेंगे ताकि ये अच्छे से इसका कलर क्रिस्पी सा दिखे। फ्रेंड्स, इसे हम तब तक सेकेंगे जब तक कि ये क्रिस्पी ना हो जाए। यहाँ पर ब्रेड के पीसेस मैंने पलट दिए हैं, ये काफ़ी अच्छा सा सुनहरा सा कलर इस पर आया है। ब्रेड के पीसेस को
फ्रेंड्स हम लो मीडियम पे सेकेंगे, हाई पे ब्रेड जल जाएगी। यहाँ पे ये रोस्ट की हुई ब्रेड मैंने इस चाशनी में ऐड कर दिया है। इसे ऐसे हम डिप कर लेंगे और फिर फौरन ही हम इसे तुरंत बाहर निकाल लेंगे। ये देखिए मैंने इसे बाहर निकाल लिया है। इसी तरह से हम सारी ब्रेड डिप कर लेंगे, ये देखिए ऐसे, और इसे बाहर निकाल लेंगे प्लेट में। बाकी के सारे पीस भी हमने इसी तरह से चाशनी में डुबो के प्लेट में ऐड कर लिए हैं। अब हम इस पे देखिए रबड़ी ऐड करेंगे जो पहले से ही मैंने बना के रखी थी, ठंडी हो चुकी है। हम इस पे ठंडी रबड़ी ही ऐड करेंगे ऐसे। अब हम इसे ड्राई फ्रूट से गार्निश करेंगे। यहाँ पे हमने काजू बादाम पिस्ते और किशमिश लिया है। आप चिरौंजी अखरोट ये जो भी आप अपनी पसंद के भी मेवे ले सकते हैं। यहाँ पे शाही पीस हमारे बन के रेडी हो चुके हैं। आप इसे बनाइए, खाइए और इंजॉय कीजिए। रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह जल्दी एक नए वीडियो में मिलूँगी। मैं शाहिदा परवीन, अस्सलाम वालेकुम।